हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लास। टुडे चैप्टर इज ट्रायंगल। द लर्निंग आउटकम्स ऑफ दिस चैप्टर्स आर ट्रायंगल, कॉन्ग्रेंसी, कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्रायंगल, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इनइक्वालिटीज इन ए ट्रायंगल। फर्स्ट, ट्रायंगल। ट्रायंगल इज ए क्लोज फिगर विच इज मेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स। सेकेंड, कॉन्ग्रेंसी। टू फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज, इट इज कॉल्ड कॉन्ग्रेंसी ऑफ टू फिगर्स। देखिए, यदि हमारे पास दो फिगर इस टाइप की हैं कि वे सेम साइज की हों, सेम शेप हो उनकी, यदि हम उन्हें एक दूसरे के ऊपर रख दें तो वे एक दूसरे को कवर कर लेंगी, तो इस टाइप की जितनी फिगर्स होंगी वे कॉन्ग्रेंट फिगर कहलाएंगी। कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल्स। फर्स्ट, साइड कॉन्ग्रेंसी रूल। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन द वो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी इजिकल टू पी क्यू, BC is equal to QR, AC is equal to PR, triangle ABC congruent to triangle PQR। अब देखिए, इस ट्राइंगल के अंदर जो ट्राइंगल ABC है, इसकी जो थ्री कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो दूसरे ट्राइंगल की थ्री कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के अलग अलग इक्वल हैं, इसलिए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं। सेकेंड, SAS, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ टू साइड्स एन इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एन इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, देन द वो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। देखिए, इस फिगर को देखिए आप, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी इजिकल टू पी क्यू, बी सी इजिकल टू क्यू आर। अब देखिए, ए बी की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो पी क्यू है और बी सी की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो क्यू आर है, तो ए बी साइड पी क्यू के इक्वल है, बी सी साइड क्यू आर के इक्वल है, और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल्स हैं उन्हीं के बीच का एंगल है एंगल बी इजिकल टू एंगल क्यू, तो उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो इसलिए दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। थर्ड, एस एस। एस एस मीन्स एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी रूल। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल, देन द वो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल बी इजिकल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। अब देखिए, जो दोनों एंगल इक्वल हैं उन्हीं के बीच की साइड इक्वल होनी चाहिए, तो जो एंगल हमारे इक्वल हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, उनके बीच की साइड है बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, इसलिए ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। नेक्स्ट, आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। अब देखिए, जो कॉन्ग्रेंसी रूल है ये राइट ट्राइंगल से रिलेटेड है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ वन राइट एंगल ट्राइंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ अनदर राइट एंगल ट्राइंगल, देन द वोट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी इजिकल टू पी क्यू, एंगल बी इजिकल टू एंगल क्यू इजिकल टू 90 डिग्री, दोनों राइट ट्राइंगल हैं इसलिए दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे। ए सी इजिकल टू पी आर, ए सी पहले ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस है और पी आर दूसरे ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस है, इसलिए दोनों ट्राइंगल